इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम जिला में पॉजिटिव मरीजों में इजाफा होने का दौर जारी है। सुभाष नगर के साथ अब मालिक अली की खातून जिसका चूड़िया फरोख्त करने का कारोबार है, अब पुलिस महकमा में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे। 3 पुलिस कॉन्स्टेबल्स का भी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बेलगाम जिला कोरोना मुतासरीन की तादाद 350 से भी ज्यादा हो चुकी है। कल बरोज इतवार लॉकडाउन का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। बेलगाम शहर में बढ़ते मरीजों के मद्देनजर बेखौफ बिना मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शायद लोगों ने छोड़ ही दिया है। बाजारों में भीड़ तो बढ़ती जा रही है, पर कोरोना से बचने के तदाबीर इस्तेमाल करना शायद मुनासिब नहीं समझा जा रहा। अब तो शायद कोई मोहल्ला बाकी हो जहां पर पॉजिटिव मरीज नहीं पाए जा रहे हैं। हुकूमत को क्या फैसला लिया जाए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लॉकडाउन करना भी कोई मामूली नहीं है। वजीर आला येडियुरप्पा को लॉकडाउन क्या फिर से लागू किया जाएगा, इस सवाल पर बताया कि रियासत की मईशत बुरे दौर से गुजर रही और अब लॉकडाउन हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि 2 महीने के बाद कारोबार अभी अभी शुरू हुए हैं। कई ताजरों का भी कहना यह है कि अब लॉकडाउन से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत में मरीजों की तादाद 20,000 के करीब है, तो बेलगाम जिला 350 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर टास्क फोर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। नए गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोरोना मुतासिर 50 साल से कम उम्र का है तो इन्हें घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है। वजीर रियासत ने एक बार फिर कहा कि किसी तरह का लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। वाजा रहे कि पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन को लेकर चैनलों ने फिर से लॉकडाउन की खबर चलाई थी, जिसे फिर रद्द करते हुए वजीर के सुधाकर ने दोहराते हुए कहा कि शहर को बंद करना, जिले की सरहदों को बंद करना या सील डाउन करना वगैरह नहीं किया जाएगा। इतवार को बंद रहेगा, पर जिन इजलासों को इजाजत दी गई है 50 लोगों के साथ कर सकते हैं। लॉकडाउन की अफवाह से ताजीर कारोबारी फिक्र में मुब्तला है। कई लोगों ने इत्तेहाद न्यूज को पूछा कि क्या लॉकडाउन है, तो हमने यही बताया कि हुकूमत से जानिब से जो बताया जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन नहीं होगा, इस पर इत्मीनान रखें। इनका भी कहना यह है कि आखिर इस लॉकडाउन से क्या हासिल होगा, मतलब कारोबारी जो बेलगाम शहर के हैं उनका। कई सारी उनसे हमने जाकर बात की तो उनका भी कहना यह है कि आखिर लॉकडाउन से क्या हासिल होगा, और रात का कर्फ्यू भी सिवाय मजाक के कुछ नहीं है। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। रियासत कर्नाटक में कोरोना के संजीदा दौर में भाजपा हुकूमत की जानिब से किट खरीदी मामले में भी कमीशन खाने का इल्जाम सिद्धरमैया की जानिब से लगाया गया। इन्होंने कहा कि भाजपा की हुकूमत किट खरीदी मामले में 328 करोड़ का खर्च दिखा रही है, पर 815 करोड़ का हिसाब ही नहीं दिखा पा रही। सैनिटाइजर, PPE किट, थर्मल स्कैनर को दुगना दाम देकर खरीदा गया, जबकि तमाम चीजें इंतहाई सस्ती है। साबिक वजीर आला सिद्धरमैया का कहना है कि अगर सही इकदाम उठाए जाते तो कोरोना काबू में आ पाता, पर हमेशा गलत नीतियों के आदि भाजपा हुकूमत ने हमेशा आवाम को धोखा दिया है। 2 महीने का लॉकडाउन भी पहले ही करना था, पर इसे भी देर से लगाया गया और वो भी अचानक लगाया गया, जिसका नतीजा हम सभी जानते हैं। रियासत के इतवार के लॉकडाउन को भी गलत कहते हुए कहा कि अब लॉकडाउन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मौका हाथ से छूट चुका है और इलाज के मामले में भी हुकूमत काफी पीछे होने की बात कही गई है। मोदी के ऐलानात का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि लाखों करोड़ों के पैकेजेस बड़े ही आसानी के साथ देने वाली भाजपा हुकूमत और इनके कायद यह भी तो बताए कि कर्नाटक को कितने हजार करोड़ दिए गए। भाजपा हुकूमत ने हमेशा गरीबों के साथ धोखा किया, लिहाजा मौत के बाद भी लाशों की बेहुरमती करने से ये लोग नहीं चूकते। इंसानी हुकूक को पैर उतरे रौंद दिया जा रहा है। खैर, बेलगाम जिला में बढ़ते मरीज सेहत महकमा की फिक्र को बढ़ा रहे। आने वाले महीनों में अगर इसी तरह से तेज रफ्तार से मरीजों की तादाद बढ़ती है तो आखिर क्या फैसला लिया जाएगा और इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। इतना तो जरूर है कि किसी तरह का लॉकडाउन अब इसका हल नहीं है। कारोबार ठप है, बेरोजगारी मियारी सतह पर है, महंगाई भी तारीखी मकाम पर है और अब कोरोना आलमी वबा ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है। तमाम मुश्किलात से अब हुकूमत कैसे उभर कर तरक्की अमन के रास्ते पर मुल्क चलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।